दोस्तों कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो, जुलाई 2013, इंटरनेट टेक्नोलॉजी एंड वेब डिज़ाइनिंग पार्ट वन। देखो दोस्तों, ऑन द इंटरनेट विच वर्जन ऑफ द इंटरनेट प्रोटोकॉल इज मोस्ट वाइडली यूज, ये क्वेश्चन काफ़ी बार पूछा गया है दोस्तों, इसे आप नोट डाउन कर लो। मैंने अभी तक बहुत सारे आपको सॉल्व पेपर के पार्ट वन कराए हैं, ठीक है। 2008 से 2013 पर पहुँच चुके हैं हम लोग, तो ये क्वेश्चन काफ़ी बार आया हुआ है, तो डेट्स मीन कि ये इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप नोट डाउन कर लो। इसका जो आंसर होगा IPv4 होगा, इसे रट लो, क्या पता इस बार भी पूछ लिया जाए, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं। ए वेब पब्लिशिंग टूल डेवलप्ड बाई माइक्रोसॉफ्ट इज, ये भी देखो, ये 2013 के जनवरी वाले में भी पूछा गया था, तो इसका क्या होगा, फ्रंट पेज, ठीक है दोस्तों, ये भी नोट डाउन कर लो। ये दो क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हो गए आपके लिए। व्हाट इज कुकी, ये भी काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, क्योंकि हम लोग जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं और जैसे जैसे आप ये वीडियोस देखते जाएंगे तो आपको क्वेश्चन सिमिलर से दिखते जाएंगे, तो वो डेट्स मीन वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि 3-4 बार पूछे जा चुके हैं, डेट्स मीन वो इंपॉर्टेंट है, इसीलिए बार बार पूछा जा रहा है। तो व्हाट इज कुकी पूछा जा रहा है। व्हाट इज कुकी मीन्स इंफॉर्मेशन सेंड टू द कंप्यूटर डेट इज़ यूज्ड लेटर टू गिव इंफॉर्मेशन बैक टू अ विजिटेड वेबसाइट। डेट्स मीन कुकी क्या करती है कि अगर तुमने आपने कोई वेबसाइट सर्च करी तो वो हिस्ट्री में एक जगह सेव हो जाती है, जब आप अगेन जाते हैं अपने गूगल पर फिर से सर्च करते हैं तो वो आपको तुरंत दिखा देती है, दैट्स मीन, ठीक है। SMTP इज एसोसिएटेड विद, इसका जो आंसर होगा वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल से। सिक्योर सॉकेट लेयर SSL की फुल फॉर्म याद कर लो, यहाँ पर दी हुई है। इज अ प्रोटोकॉल डेवलप्ड बाई, ये किसके द्वारा डेवलप्ड किया गया, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है, नेटस्केप के द्वारा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट जो दोस्तों हमें मिल जाता है उसका नाम है विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सूटेड फॉर नेटवर्क इज इन अ बिल्डिंग। देखो ये तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखे तो देख लो, LAN लोकल एरिया नेटवर्क, ठीक है दोस्तों। ये अपने आप ही याद तक हो गए हैं यार क्वेश्चन, जो कि इंपॉर्टेंट, जो काफ़ी बार आ चुके हैं। द पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन डेटा आर सेंड ओवर इंटरनेट इज, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा पैकेट्स, ठीक है, पीसेस लिखा है, पीसेस किस में, पैकेट्स में भेजे जाएंगे, ठीक है, याद रखना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड इमेज फॉर्मेट, आपको यहाँ पर दो देख रहे होंगे, एक टिफ और MPEG, इनमें से ये भी देखो क्वेश्चन एक बार और पूछा जा चुका है, हमें याद है, तो इसका क्या होगा, MPEG, ठीक है। विच टाइप ऑफ फिजिकल केबल हैज़ फास्टेस्ट ट्रांसमिशन स्पीड, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा फाइबर ऑप्टिक केबल में होती है, ठीक है। एन एप्लेट इज, इसका जो आंसर होगा प्रोग्राम डेट कैन बी एम्बेडेड इन अनोदर एप्लीकेशन। नेक्स्ट पर चलते हैं ट्रू फॉल्स की तरफ। TCP/IP डिवाइड्स द मैसेज इन टू पैकेट्स डेट आर सेंड ओवर द लाइन्स एंड डायरेक्टेड राउटर्स टू देयर डेस्टिनेशंस, डेट्स मीन दिस इज ट्रू। ए परमानेंट असाइंड IP एड्रेस वन डेट इज गिवन टू अ कंप्यूटर और राउटर कनेक्टेड टू द इंटरनेट इज कॉल्ड डायनेमिक IP एड्रेस, या दिस इज फॉल्स। एंड थर्ड, IPv6 द लेटेस्ट IP राउटिंग प्रोटोकॉल हैज IP एड्रेस इज साइज ऑफ 128 बिट्स, या दिस इज ट्रू। यूजिंग कुकी फाइल अ वेब सर्वर कैन कीप ट्रैक ऑफ द वेब पेजेस यू विजिट, दिस इज ऑल्सो ट्रू, ठीक है। यूजिंग कुकी इज फाइल अ वेब सर्वर कैन कीप ट्रैक वेब पेजेस यू विजिट, या दिस इज ट्रू। अ मेटा सर्च इंजन मेंटेन्स इज इट्स ओन डेटाबेस इंफॉर्मेशन, दिस इज फॉल्स। इन थर्ड, इमेज लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन इज लॉस्ट फ्रॉम द ओरिजिनल इमेज एंड इन इट कैन नॉट बी रिकंस्ट्रक्ट फ्रॉम द फाइल कंटेनिंग द थर्ड इमेज, दैट्स मीन दिस इज फॉल्स। नाउ दिस इज ट्रू, ये ट्रू होगा दोस्तों, याद रखना, ये दो बार पूछा जा चुका है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, ट्रू होगा इसका। इज एन ईमेल मैसेज यूजेस इन CC फील्ड्स कैन नॉट सी अदर रिसिपियंट्स वेयर एज यूजर इन BCC फील्ड्स कैन सी ऑल द रिसिपियंट्स ऑफ द मैसेज, फॉल्स होगा दोस्तों ये। इन अ फ्रेम सेट टैग कॉल्स एंड रोज कैन नॉट बी यूज्ड इन कंजक्शन विद द अनदर, दोस्तों जो ट्रू फॉल्स होते हैं ना दोस्तों, वो हम लोगों को अपने माइंड से लगाने पड़ते हैं, ये भी ट्रू होगा। आठवां,
द इमेज एंड हाइपर लिंक बोथ कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन अ टेबल HTML फॉल्स। JPG कैन सेव फुल कलर इन्फॉर्मेशन अबाउट एन इमेज कंपेयरिंग GIF ये 8 bits पर पिक्सल या दिस इज ट्रू। तो हम चलते हैं मैचिंग में देख लेते हैं, कोई ट्रिक बता देंगे हम आपको कैसे मैचिंग करनी है। पहले जो हमने पार्ट वन क्लियर कैसे करना है वो वीडियो बनाया था, वो वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लो, लिंक डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का दिया है, वो सारी प्लेलिस्ट में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। एक कंप्यूटर प्रोग्राम डेट ट्रांसलेट बिटवीन डोमेन नेम एंड IP एड्रेस, तो इसका जो आंसर होगा वो हम देखेंगे। क्रिप्टोग्राफी कैसेच ये भी नहीं, रिजॉल्व ये हो सकता है इसका आंसर, रिजॉल्वर ही है। ठीक है दोस्तों, तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक है, हम सेकंड पर चलते हैं। ए मैसेज ऑफ द रेट एट विच डेटा इज ट्रांसफर्ड ओवर टेली कम्युनिकेशन लाइन्स, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि एक दो बार और भी पूछा जा चुका है, तो इसमें हम देख लेते हैं। इसका जो आंसर होगा हमारा वो होगा ये वाउड रेट। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। लोकल मेमोरी बियर कॉपीज ऑफ फ्रीक्वेंटली यूज फॉर और रिसेंटली रिक्वेस्टेड वेब पेजेस आर सेव्ड, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो हमारा होगा ये बी। फोर्थ पर देख लेते हैं। ए सेट ऑफ लीगल राइट्स, यहाँ पर कॉपीराइट आंसर दिया है, कॉपीराइट यहाँ पर एफ होगा। देखो मैंने तुरंत पढ़ के ही बता दिया आपको, दो लीगल राइट्स जहाँ लिखे हुए हैं जो लीगल राइट एक्सटेंड, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा इसका कॉपीराइट होगा। द साइंस ऑफ इनकोडिंग एंड डिकोडिंग इंफॉर्मेशन, इसका जो आंसर होगा वो होगा क्रिप्टोग्राफी दोस्तों ए। नेक्स्ट पर चलते हैं। द मैकेनिक्स दैट कैन बी यूज टू सिंग इन एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट ऑफिशियली, तो इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा डिजिटल सिग्नेचर। ठीक है, ये याद रखना, दैट कैन बी यूज्ड सिग्नेचर यहाँ पर बोल रहा है, एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट तो हमें डिजिटल सिग्नेचर लगाना है। ठीक है दोस्तों, डिजिटल सिग्नेचर वो होता है जो आप किसी भी ईमेल में देखते हैं नीचे जो लिखा हुआ होता है। ठीक है, ए वेब डॉक्यूमेंट डेट कंटेन्स एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑडियो ग्राफिक्स मूवी और वीडियो एज वेल एज लिंक नेविगेटिव टूल्स, तो इसका जो आंसर होगा ना दोस्तों वो होगा हमारा हाइपरमीडिया। ए सिस्टम डेट इज़ यूज बाई मेलर एंड वेब ब्राउजर टू आइडेंटिफाई फाइल कंटेंट्स टू बाई यूज ऑफ फाइल एक्सटेंशन, इसका जो आंसर होगा वो होगा हमारा MIME दोस्तों। ए स्पेशल पर्पस कंप्यूटर डेट डायरेक्ट पैकेट्स ऑफ डेटा अलोंग अ नेटवर्क, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा राउटर। वाइल यूजिंग ईमेल टू एक्सप्रेस ओपिनियंस और आइडियाज स्पेशली व्हेन द मैसेज विल बी रीड बाई पीपल हु डू नॉट नो यू वेल, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा नेटिक्यूटी। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट पर चलते हैं। प्रोटोकॉल यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग पैकेट्स ओवर टेलीफोन लाइंस, तो इसका जो आंसर होगा SLIP होगा, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर भी लाइंस दिया हुआ है, ऐसे हम इसका आंसर लगा सकते हैं। इज ए स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज दैट इज एम्बेडेड इन HTML एंड इज यूजफुल फॉर एडिंग डायनेमिक फीचर्स टू वेब पेजेस, इसका जो आंसर होगा वो होगा JavaScript। थर्ड, यूजर रेगुलेशन टेलीफोन लाइंस एंड रिप्लेसेस मॉडम विद स्पेशल एडॉप्टर्स एंड अप टू 5 times फास्टर देन ए ट्रेडिशनल मॉडम, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा राउटर। फोर्थ, मेक्स इट इजी एंड पॉसिबल फॉर नियरली anyone publish and browser text document to internet, इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा www। यहाँ पर दो दिए हैं, इनमें से कोई सा भी लगा सकते हो। नेक्स्ट पर चलते हैं। मेक इट ईजी एंड पॉसिबल ये तो हो ही गया है। द कम्पोनेंट डेट ट्रवर्स द वेब कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन अबाउट पेजेस इज कॉल्ड, अब तो प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी दोस्तों। यहाँ पर बोल रहा है ए प्रोटोकॉल डेट हैज बीन डिजाइन टू ट्रांसपोर्ट मैसेज बिटवीन वर्क स्टेशन एंड मेल सर्वर इज कॉल्ड, जो हमारा 6 होगा उसका जो आंसर होगा दोस्तों, 5 का तो दिया ही नहीं है यार दोस्तों, हम लोग 5 देख रहे थे, 5 में तो कुछ दिया ही नहीं है। एनीवेज इस 5 को यहाँ पर हम लोग स्किप कर सकते हैं, द कंपोनेंट यहाँ पर इतना दिया हुआ है उसके बाद कुछ नहीं दिया। एनीवेज कोई बात नहीं, 6 पर ही हम चलते हैं। 6 का जो आंसर होगा दोस्तों वो होगा हमारा IMAP4,
यहाँ पर AP4 लगा दो तो वो भी लगा सकते हैं, यहाँ पर IMAP लिखा है वो लगाइएगा, ठीक है। साथ में चलते हैं, इस प्रोटोकॉल विच मशीन कैन ऑब्टेन एंड IP नंबर एंड अदर नेटवर्क कॉन्फ़िगरेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द लोकल एरिया नेटवर्क। जो इसका जो आंसर होगा हमारा उसे हम देख लेते हैं, DHCP होगा, डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल। इसकी फुल फॉर्म याद कर लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, मतलब फुल फॉर्म वाला वीडियो ज़रूर देख लेना। यहाँ पर देखते हैं, नेक्स्ट फीचर ऑफ ब्राउज़र यूज टू रिविजिट वेबसाइट विजिटिंग ड्यूरिंग अ गिवन सेशन। इसका जो आंसर होगा दोस्तों वो हमारा होगा हिस्ट्री, जो कि यार इम्पॉर्टेंट और सिंपल क्वेश्चन है, इन्हें आप दिमाग लगाओगे तो खुद ही लगा सकते हो। डिवाइस यूज्ड फॉर ट्रांसलेटिंग डिजिटल सिग्नेचर इनटू एनालॉग सिग्नेचर एंड वाइस वर्सा इज कॉल्ड एन। इसका आंसर होगा, अभी देखते हैं, इसका जो आंसर होगा दोस्तों मॉडेम होगा, ये होगा, ठीक है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है, F होगा इसका, और इसका नोट डाउन कर लो दोस्तों 10, ठीक है। अब इसकी आप सीट भी देख लीजिए, अगर कोई आपको स्किप लगता है क्वेश्चन कि ये गलत है तो आप इसका आंसर यहाँ से मिला सकते हैं, ये आंसर दिए हुए हैं, ठीक है, स्क्रीनशॉट लेके सारे चेक भी कर सकते हैं बाद में, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर नेक्स्ट टॉपिक के साथ।